लाने से तो और हमारा नुकसान होगा। अच्छा, हाँ हम चाहे थे प्रधानमंत्री वही रहें, लेकिन जो है वो नई सोच बदले, युवा को रोजगार दे। सेना के लोग भी ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को तो एक समृद्धशाली भारत मिला है और वो जितना आगे जाए इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्होंने सरकारों को गाली देने के अलावा कोई कार्य विशेष कोई उपलब्धि नहीं है जिसे वो गिना सकते हैं आज चुनाव। देखिए, अगर धर्म के नाम पर वोट देंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तरक्की के नाम पे देंगे, सच्चाई के नाम पे देंगे तो बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज इंसान देख रहा है जब रोजगार ही नहीं है तो क्या करेगा मंदिर और क्या करेगा मस्जिद। नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। सन 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इस समय हम निकले हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा ये अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर जनता से जनता ने कि यहाँ पर इस समय किसकी सरकार होगी और किसको कुर्सी पर बैठा लेंगे और किसके राहुल में प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम मोहम्मद मेराज है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार है? अब सरकार क्या बताएं आप? अरे मोदी जी आएंगे या राहुल आएंगे? अब कोई कहा नहीं जा सकता कौन आएगा। किसके कारनामे अच्छे लग रहे हैं? अब कारनामे तो आप खुद ही समझ रहे हो किसके अच्छे लग रहे हैं। अरे हमें तो लग रहा है, मगर जनता भी चाहती है, जनता किसको मुद्दे कुर्सी पे बैठाना चाहती है? भाई हर तो बदलाव चाहता है, इस बार बदलाव होना चाहिए। तो क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे राहुल बने कोई बने, तो बदलाव होना चाहिए। आइए और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या लगता है इस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी। मोदी जी बनेंगे जी, क्या जी। मोदी के ऐसे कौन से कारनामे अच्छे लग रहे हैं? काम तो अच्छे किए ही है। अच्छा, राहुल गांधी से क्या संतुष्ट नहीं है? नहीं, हमें तो नहीं संतुष्टि लगती है, बाकी तो हमें तो नहीं लग रही जी। अच्छा, यानी राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री भी बनाए। आइए कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, उनसे ही बात करने। क्या नाम है आपका? मेरा खुशबू। अच्छा, क्या लग रहा है सन 2024 का लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है? अब आएंगे तो मोदी ही देखना तो हम और सबको जाते हैं। युवा है, युवा को क्या लाभ मिला है मोदी से, ऐसा कुछ बताएंगे? हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो युवा, हमें नहीं मिला कुछ भी। नहीं मिला तो फिर चॉइस मोदी जी क्या है? अरे वो आएगा मोदी, पता है सबको ये। अच्छा, मोदी ही आएंगे। हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी आएंगे। नहीं आएंगे, वही पसंद तो है पर वो आएंगे कहाँ? अच्छा, जब वोट करेंगे तब आएंगे ना? वोट तो हर कोई करता है, लेकिन अच्छा, आते ही कहाँ है वो। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? देवदत्त। लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई दूसरा विकल्प हो तब तो हम कह दें। अच्छा, क्या विकल्प नहीं है? राहुल गांधी विकल्प नहीं है? नहीं है विकल्प, राहुल गांधी विकल्प होता तो अच्छा बहुत कुछ कर लेते वो। क्या लगता है मोदी जी फिर आएंगे? पक्का पक्का, उसका अच्छा, कोई विकल्प ही नहीं, हम क्या कह दें। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे। क्या नाम है आपका? शकुंतला। अच्छा, क्या लगता है इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अब देखो जिसकी किस्मत होगा वही बनेगा। अरे चुनाव जनता करेगी, जनता चाहती है किसको प्रधानमंत्री बनाए? जनता तो चाहती है, लेकिन अब क्या बताऊं। क्या नाम है आपका? महेश पटेल नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस समय प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? माहौल अच्छा है और प्रधानमंत्री तो कोई भी बने, लेकिन जो है बेरोजगारी दूर होनी चाहिए सबसे बड़ा। बेरोजगारी दूर होना, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। जो युवा बैठा तो हुआ है, क्या लगता है कि 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी है जी जी, क्या बेरोजगारी दूर हुई है? क्या 12-12, 10-10 हज़ार की नौकरी में लोली पोत दिखा करके ठग लिया पूरा देश के? वही वही जनता, जनता क्या चाहती है, क्या ऐसा ही चाहती है या परिवर्तन चाहती है? नहीं, परिवर्तन लाने से तो और हमारा नुकसान होगा। अच्छा, हाँ हम चाहे थे प्रधानमंत्री वही रहें, लेकिन जो है वो नई सोच बदले, युवा को रोजगार दे। कुल मिला के सुधार होना चाहिए, लोगों का यही कहना है कि सुधार होना चाहिए। आइए कुछ युवा हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इरफान। अच्छा इरफान जी, क्या लगता है इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी। अच्छा मोदी जी, क्यों? मोदी ऐसा जी। क्या है मोदी जी में, मोदी जी का बड़ा लाइक कर रहे हैं आप? मोदी जी बहुत खूब है। अच्छा मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? राहुल जी नहीं बनेंगे? कोई नहीं बनेगा, खाली मोदी जी बनेंगे। अच्छा मोदी जी बनेंगे बस। अरे वाह, देखिए युवा भी कह रहे हैं कि मोदी जी, क्योंकि मोदी फैन है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक कुमार सविता। चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे इस समय प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? प्रधानमंत्री अब जो तो पब्लिक ऊपर है,
पब्लिक के ऊपर, पब्लिक तो हम ही आप है ना भाई, एक तरफ मोदी जी एक तरफ राहुल गांधी, क्या लगता है? सब नौकरियां समाप्त कर दी इस सरकार ने तो। अच्छा तो मतलब मोदी से नाराज है? पेंशन भी नहीं दे रही, वो पांच पांच पेंशन ले रहे, चार चार पेंशन ले रहे हैं, और करोड़पति हैं अरबपति हैं वो पेंशन ले रहे हैं, और जो कर्मचारी 30 साल नौकरी करेगा डंटे मारा मित्र शहीद हो गए कोई पेंशन मिली, उनको पेंशन मिलनी चाहिए कार्य में, लेकिन उनको बड़ा मुद्दा है पेंशन के लिए, सरकार को निर्णय लेना चाहिए। नहीं मिडिल क्लास के लोग बताते हैं कि गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है। अरे गेहूं गेहूं चावल मिल रहा है, गेहूं का रोजगार तो नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी चरम सीमा पर, सभी पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मुद्दा है जानने वाला। चलिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। ओम प्रकाश नाम मेरा। अच्छा क्या लग रहा है इस समय किसकी सरकार? बीजेपी की। अच्छा बीजेपी सरकार जी। अच्छा मोदी से खुश है यानी? हाँ खुश है। क्या नाम है भैया आपका? चलिए युवा है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? विशाल। अच्छा क्या लग रहा है इस समय चुनावी माहौल है, इसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? प्रधानमंत्री एक तरफ राहुल है एक तरफ मोदी जी है, किसको बना रहे भाई? राहुल गांधी। अच्छा राहुल गांधी को बना रहे हैं प्रधानमंत्री, मोदी जी को क्यों नहीं? मोदी जी को हो तो गए, किसी दूसरे को भी चांस देना चाहिए। अच्छा कंटिन्यू अगर एक ही रहता है तो आप जानते हैं कि अलग अलग देशों में रसिया हो गया कोरिया हो गया, कंटिन्यू अगर एक ही आदमी को बनाएंगे तो तानाशाही के चांसेस धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, चांस देना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं एक, चलिए यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे। देखिए क्या है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है यहाँ पे, तो इनसे भी जानेंगे क्या मुद्दा है इन लोगों का। क्या नाम है भाई? क्या लग रहा है इस समय किसकी सरकार? सब भाजपा की होनी चाहिए। भाजपा की सरकार? राहुल नहीं, अच्छा नहीं काम करता। राहुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं यार, वो तो कहते हैं युवा को साथ लेके चलेंगे, परिवर्तन लाएंगे तमाम तरीके की। नहीं 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 उसके सरकार नहीं होना चाहिए। अच्छा मोदी से कुछ हो? हाँ भैया मोदी है, अरे मोदी घर घर मोदी। अच्छा मोदी घर घर मोदी, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से युवा आए वो भी कह रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, क्योंकि मोदी के जो कारनामे उनसे संतुष्ट है। आइए वह यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे जानकारी करेंगे, देखिए क्या है जनता किसको लाइक कर रही। क्या नाम? मनोज। अच्छा क्या लग रहा है इस समय 24 का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी को। अच्छा मोदी जी को बनाएंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा उन्होंने अच्छा काम किया इसलिए उनको बनाना है। अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर तो ऊपर वाले की इच्छा। चलिए और भी कुछ लोग हैं हम उनसे ही बात करें। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुर्तजा है। अच्छा क्या लग रहा है 24 का चुनाव, एक तरफ मोदी जी है एक दूसरी तरफ राहुल जी है? अब आवे तो कोई, लेकिन जो है वैसे बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा जनता की जो डिमांड है बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी जो है सभी नेता जो है औकात अपनी अपनी औकात में रहेंगे। राहुल जी को देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल देखना चाहते हैं, एक बार उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? राकेश जायसवाल। अच्छा क्या लग रहा है इसमें चुनाव का, क्या माहौल? अब बदलाव की उम्मीद लग रही है। बदलाव की उम्मीद लग रही है, बदलाव तो होगा ही, जनता बदलाव के साथ है। चलिए और भी कुछ लोग हैं बात करेंगे। चलिए युवा है, क्या नाम है आपका? साकिब अली। अच्छा आप तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लग रहा है जी। अच्छा क्या लग रहा है इस समय किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे भाई? एक तरफ तो राहुल जी है एक तरफ मोदी जी है, क्या लग रहा है किससे संतुष्ट है? संतुष्ट देखिए अभी एक तरफ का तो काम देख लिया है ना, अब दूसरे तरफ की बारी जो है से आनी चाहिए कि उनका अच्छा। भी जो है से हम काम देखें, चूंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है अगर किसी ओहदे पर बैठता है तो उसका काम करने का तरीका अलग होता है, तो अब हम चाहते हैं कि अब उनको भी मौका दे के वो कैसा देश को चलाते हैं। बिल्कुल, एक तरफ राहुल जी और अखिलेश दो साथ में हैं तो दोनों पढ़े लिखे हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री राहुल जी को बनना चाहिए? बेशक एकदम बनना चाहिए। चलिए और भी लोग हैं हम देखें उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश त्रिवेदी। क्या लग रहा है 2024 का, इस समय आगाज हो चुका है, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं अब अपने अपने दावे ठोक रही हैं, क्या कहेंगे? गठबंधन चुनाव जीत रहा है। कौन चुनाव जीत रहा है? जैसे राजा रामपाल जीत रहे हैं। राजा रामपाल इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। अच्छा इधर आलोक मिश्रा जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन। अच्छा इधर आलोक मिश्रा जीत रहे हैं। हाँ कुल मिला के कानपुर की दो सीटें हैं, दोनों सीटें इंडिया गठबंधन की। उन्नाव वाली जीत रहे हैं। अच्छा अनु टंडन जीत रहे हैं। हाँ चलिए और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आप? श्याम जी शुक्ला जी। क्या लग रहा है इस समय चुनावी माहौल है, जनता बड़ा इधर उधर भटक रही है, क्या कहेंगे? स्थानीय स्तर पर जी
चूंकि बीजेपी का कैंडिडेट बाहर से थोपा गया है तो स्थानीय स्तर पर तो लग रहा है कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। दूसरा, हमारे यहाँ एक अकबरपुर सीट है जहाँ से पूर्व सांसद भोले जी हैं, वहाँ राजा राम खड़े हुए हैं, वो कई पार्टियों में रह चुके हैं, तो जैसा चर्चा हो रही है कि अब की उनका मामला कुछ ठीक ठाक है। और बोले कि क्या लगता है, क्योंकि इसके पहले भी सांसद रह चुके हैं, वो रह चुके हैं, लेकिन 10 साल में उनके दरबार में जाने वाले लोगों में कुछ असंतोष है, उसका फायदा राजा रामपाल को मिलना सुनिश्चित है। अच्छा, यानी जनता उनसे संतुष्ट नहीं लग रही है। अच्छा। तो उससे लग रहा है कि कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों सीटें ये इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही हैं। और चूंकि आप पार्टी का कम्युनिस्ट का समर्थन है और हमारे शहर में 3 जो MLA हैं वो सपा के हैं और सपा का समर्थन कांग्रेस को है, इसलिए कानपुर में वजन ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है कि एक तरफा जीत कांग्रेस की हो। अच्छा, कानपुर में एक तरफा, उसके बाद तरफा ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, क्या लग रहा है राहुल? अब ये तो पार्टियां आपस में मिलकर तय करेंगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसका प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए, बीजेपी एक तरफ अपने दावे ठोक रही, उसके बाद में जो विपक्ष के लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भी लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी से कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? सचिन वर्मा। अच्छा, क्या लग रहा है सर, 24 का चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है इस समय? माहौल तो देखिए, इसमें कांग्रेस के पक्ष में, मतलब इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अब की बार सरकार कांग्रेस की ही और इंडिया गठबंधन की बननी चाहिए। अच्छा, और ये सरकार जो है भाजपा की सरकार, जो केवल देश को महंगाई बढ़ाए हुए है, जनता को लूट रही है, ये बड़ा मुद्दा है लोगों से, क्योंकि मैंने बात की है, जनता को लूट रही है, केवल जो है वो राशन दे के जो है लोगों को खरीदना चाह रहे हैं, बस उससे कुछ नहीं होगा। तो जनता सरकार में लाना चाहिए। हाँ, राहुल जी का घोषणा पत्र बहुत अच्छा है, राहुल जी सरकार में आना चाहिए। उन्होंने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा है वो बहुत अच्छा कहा है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, आइए भैया, क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ देखिए स्टूडेंट है, जरा उनसे भी जानकारी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? चलिए, कोई नहीं, देखिए जनता है कानपुर की, ये अपनी अपनी राय रख रही है, कोई मोदी को कह रहा है तो कोई राहुल को कह रहा है, क्योंकि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्योंकि जो पुराने प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह भोले, उनसे यहाँ की जनता तृप्त है, इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो ऐसे में इनका यही कहना होगा, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जीत उनकी सुनिश्चित है और सरकार में राहुल जी आने वाले हैं। हमारा नाम रामेश्वर यादव। अच्छा यादव जी, ये बताइए, इस समय 24 का चुनाव है, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ राहुल जी, क्या कहना चाहिए, कानपुर की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? हम तो भैया राजा रामपाल का, इंडिया गठबंधन। हाँ। अच्छा, क्या ऐसा क्या है, क्योंकि इसके पहले तो जब यहाँ से देवेंद्र सिंह भोले थे, क्या उनसे कानपुर की जनता संतुष्ट नहीं है? उनका उन्होंने कोई जनता नहीं, कोई कभी गली में आई, उन्हें कोई जनता नहीं कि कौन भोले आई कौन नहीं आई। एक बड़ा आरोप है कानपुर की जनता की, क्योंकि देवेंद्र सिंह भोले जो 5 साल रहे, उसके पहले उनको कोई जानते नहीं, कोई जानते ही नहीं, ना कोई विकास, ना ही गली में है। क्या है कानपुर का, कुछ विकास किया है आज तक उन्होंने? हाँ, कोई नहीं हुआ। अच्छा। शारदा नगर का गीता नगर का पोजिशन बहुत खराब है, रोटन का, नाला का। अब हम लोग जो है समझ लो अंदर गली में पड़े हैं, सिविल लाइन का कोई नाम है ना, सब चौक है, बाहर जाओ, इधर उधर जाओ, शौचालय जाओ, कोई विकास नहीं की नहीं। कानपुर में देवेंद्र सिंह भोले का इतना विरोध होने के बाद भी बीजेपी सरकार ने फिर उनको ये प्रत्याशी कानपुर से बनाया, ऐसा क्या लगता है देवेंद्र सिंह भोले के ऊपर कि चुनाव क्या जीत लेंगे? नहीं, अब तो हम नहीं वोट देंगे इनको, बिल्कुल भोले सिंह को वोट नहीं देंगे। देखिए, कानपुर की जनता है नाराज भी लग रही, क्योंकि बीजेपी सरकार में जिस तरीके से इनके जो सांसदों ने कारनामे किया है, क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र सिंह भोले हैं, उन्होंने कई बार यहाँ पर लोगों का झांसा में ला के और विकास के मुद्दे गिना के, मगर विकास नहीं हुआ है। चलिए, और भी लोग हैं दादा, इनसे बात कर। क्या नाम है बाबू? मैं AK शुक्ला। अच्छा, क्या लग रहा है इस समय चुनावी माहौल है, एक तरफ राहुल जी है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्या लग रहा है इस समय जनता में? वर्तमान सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश है जी,
इन लोगों ने 10 साल में कोई कार्य विशेष नहीं किया है जी। सिर्फ अपना समय विपक्षियों को, विशेषता कांग्रेस को और पंडित नेहरू को गाली देने में गंवाया है, और इनकी उपलब्धि अपनी कहीं वो नहीं बताते, केवल उनको गालियां देते ही रहते हैं, जबकि सारा विकास पिछले 70 साल में ही हुआ है। हम ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता और इनके सहयोगी रहे संजय राउत और शिवसेना के लोग भी ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को तो एक समृद्धशाली भारत मिला है और वो जितना आगे चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्होंने पिछली सरकारों को गाली देने के अलावा कोई कार्य विशेष, कोई उपलब्धि इनकी नहीं है जिसे वो गिना सकें आज चुनाव के समय। देखिए जनता है, जनता का मूड क्या कहता है वो तो आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि कानपुर की जनता है। अभी मैंने बात किया लोगों से तो जिस तरीके से लोगों ने विरोध किया, क्योंकि जो पूर्व सांसद है उनका बड़ा विरोध है कानपुर में, तो इसके लिए नए प्रत्याशी जो यहाँ पर, उनके लिए क्या कहेंगे? हमारे वर्तमान सांसद जो पिछले 10 साल से यहाँ पर हैं, वो जनता के बीच में तो कभी आए नहीं, लोग उनको शायद पहचानते भी ना होंगे, और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको उन्होंने कभी सॉल्व करने का प्रयास भी नहीं किया है, इसलिए जनक्रोश तो ज़बरदस्त है, और जनता इस बार जो है उसका जवाब सही ढंग से देगी। अच्छा, एक बड़ा आरोप है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, जनता का एक बड़ा आरोप होता है कि बीजेपी के सांसद है उसके बाद, क्योंकि मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके सांसद क्षेत्र में नहीं जानते हैं, विकास कैसे होता है? विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वो केवल मोदी के नाम पे वोट मांग रहे पा रहे हैं, जब मोदी जी स्वतः कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को ना देखें, केवल मेरा चेहरा देकर वोट दें, तो ऐसे में विकास कहाँ से संभव है? और यही लग रहा है मोदी मैजिक काम कर रहा है, निस्संदेह मोदी द्वारा फैलाया जा रहा है धर्मांधता और सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम 80-20, और ये जो अभी कल ही कहा गया है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं की जो है लूट कर उन लोगों में बांट देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस तरह की भावनाओं में धार्मिक उन्माद पैदा करके भले ही वो वोट पा जाएं, लेकिन जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है, और इस बार जनता इनको करारा जवाब देगी। 4 तारीख जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप से जनमानस की आवाज़ जीतेगी। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी वाले एक तरफ एक मुद्दा चला रहे कि हम लोगों ने विकास किया है, डिजिटल इंडिया बना दिया, तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं, और एक तरफ ये विपक्ष पे धावा ही बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे आप देखिए एक एग्जांपल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको जेल भेज दिया शराब घोटाले में, क्या कहेंगे? देखिए इनका कार्य जो है, जो विपक्ष का नेता जो उठ रहा है, जो जमीनी है, उसके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाकर जबरदस्ती उसको जेल में भेजना है, ठूसना है, चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल पर तो कभी कोई आरोप आया ही नहीं, जिसके कहने पर शायद मेरा ख्याल है शरद चंद्र रेड्डी जो कि वो अरविंदो फार्मा से संबंधित हैं, उन्होंने स्वतः बीजेपी को भारी चंदा दिया है, और वो 5 माह तक जेल में रहे और दसियों बयान उन्होंने दिए, कभी भी अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं लगाया, और जब उनकी जमानत हुई तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर इनके दबाव में आरोप लगाया है। एक व्यक्तिगत तो मौखिक आवाज़ के बेस पर किसी को जेल भेज देना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? अच्छा, बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि कानपुर का ही ऐसा एक प्रकरण है, जो प्रेजेंट टाइम में विधायक है इरफान सोलंकी, उनको भी जेल भेज दिया गया, और ये कहते हैं यहाँ की जनता, ये कहते हैं कि इसमें भी राजनीतिकरण है। देखिए वो एक ऐसा मामला है जिसमें हो सकता है उनकी कुछ अपनी कमजोरियां रही होंगी, उन्होंने निश्चित रूप से जैसा जनता में सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं पे जो है गरीबों की ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास किया है, और इसी वजह से वो उस मामले को अपने ढंग से कायदे से उठा नहीं सके और जेल की सजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जनता है, ये तमाम तरीके के आरोप लगाती, क्योंकि सरकार आती जाती रहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी तमाम तरीके के दावे करते हैं, मगर कानपुर का जो विकास है अभी विकास से पीछे। चलिए एक बहन जी और है, उनसे ही जानकारी करेंगे। क्या नाम है बहन जी? अंजू। अच्छा, क्या लग रहा है कि चुनाव का माहौल है 2024 का, मोदी जी सीना ठोक रहे हैं 400 पार, विपक्ष कह रहा है कि 420, क्या कहेंगे? देखिए अगर धर्म के नाम पे वोट देंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तरक्की के नाम पे देंगे, सच्चाई के नाम पे देंगे, तो बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि आज इंसान देख रहा है, जब रोजगार ही नहीं है तो क्या करेगा मंदिर और क्या करेगा मस्जिद? ये एक बड़ा मुद्दा है जी, यहाँ पे युवाओं का भी मुद्दा है जी, युवाओं को नौकरी पढ़ाई लिखाई करके फिर घर बैठे हैं, तो क्या फायदा उस एजुकेशन का अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में? पेरेंट्स भी परेशान है कि हमने क्यों पढ़ाया था इसी दिन के लिए, हिंदू मुसलमान करें तो
तो कानपुर की जनता जिससे से परेशान है, क्या लगते हैं देवेंद्र सिंह भोले इस समय क्या है, सांसद नहीं बनेंगे, राजा रामपाल सांसद नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, राजा रामपाल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। चलिए एक लोग और हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया? नईम साहब। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? राजा रामपाल बनेंगे 100% बोले। क्यों नहीं? नहीं बनेंगे। क्या किया उन्होंने? कहीं कुछ नहीं किया। एक आरोप है कि देवेंद्र सिंह भोले क्षेत्र में नहीं जाते हैं। कभी नहीं गए, हमने देखा ही नहीं आज तक। तो कभी नहीं गए। अच्छा। जो हमारे सामने नहीं आया, जिसने हमारी बात नहीं सुनी, सांसद रहे 10 साल, उसके बाद हमने देखा ही नहीं, हमने आज तक उनका फेस ही नहीं देखा। कौन है भाई वो? कौन है वो? हमने देखा ही नहीं है उनको। देखे, मिले, हमारी प्रॉब्लम पूछे, हम बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिए, वो मतलब ही नहीं रखते हैं, तो कैसे होगा? जिसे देखा नहीं उसे हम कैसे वोट दे दें? और राजा रामपाल खुद हमारे दरवाजे आते हैं पूछने कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्या नहीं है, कैसे होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? तो राजा रामपाल की बात अलग है, अगर इंसान मिलेगा तभी तो अपनी बात कहेगा, जिसे देखा ही नहीं तो फिर क्या बात करें? अब चिन्ह देख करके तो वोट नहीं दे सकते ना, काम देख के इंसान वोट देगा ना। देखिए, जनता है कानपुर की काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूर्व सांसद रहे देवेंद्र सिंह भोले, उन्होंने क्षेत्र का एक बार भी भ्रमण नहीं किया। वोट लेने के समय वो गली मोहल्ले में गए, मगर उसके बाद में जब से जनता ने कुर्सी पर बैठा दिया, उसके बाद शायद क्षेत्र में नहीं गए।